वैसे तो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में शाहरुख खान को किंग माना जाता है, और इसके अलावा और भी मुसलमान अदाकार हैं जिनके नाम हैं आमिर खान, सलमान खान और दूसरे कई अदाकार हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन सबसे बड़ा एक और अदाकार भी है जो कि मुसलमान है? पर ये बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं पूरी दुनिया से मालूमाती वीडियो सिर्फ आपके लिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, जिनको वालिद का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो पेशे के लिहाज से फलों के व्यापारी थे, ये अपने इस कारोबार की वजह से 1930 में पेशावर छोड़कर मुंबई इंडिया चले गए। इसके बाद 1940 में दिलीप कुमार घर वालों से लड़कर मुंबई छोड़कर पुणे चले गए। वहां जाकर दिलीप कुमार ने एक कैंटीन का कारोबार शुरू किया। उस जमाने की एक मशहूर अदाकारा जिसका नाम देविका रानी है, जो कि बम्बई टाकिस की मालिक भी है, इन्होंने जब इसे देखा तो उसको कहा कि तुम फिल्मों में काम करो। इसके बाद इसने दिलीप कुमार को फिल्मों में काम दिलवाया। दिलीप कुमार की पहली फिल्म 9 साल की उम्र में कुछ अरसा बीमार रहे और उसके बाद हिंदोजा अस्पताल में इंतकाल कर गए। दोस्तों, ये थी दिलीप कुमार की स्टोरी। मजीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।